राम राम सर, मंजूस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बूंदे का अचार डालना बताऊंगी। ये सभी को पसंद होता है, अभी बूंदे का सीजन चल रहा है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है, छोटे बड़े सब पसंद करते हैं। तो देर किस बात की, आइए बूंदे का अचार डालना शुरू करते हैं। बूंदे का अचार बनाने के लिए मैंने 1 किलो बूंदा लिया है, अच्छे से धोकर के लिए साफ धोके इसको बॉईल कर लेते हैं। बूंदा बॉईल करने के लिए मैंने 2 लीटर पानी लिया है, इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं, बाद में बूंदा डालेंगे। ये बूंदे डाल रहे हैं, पानी अच्छे से गर्म हो गए हैं, ये मैंने ढक्कन नहीं हटाया है, बॉईल होने के बाद में हटाएंगे, विशाल सिक्के में रखेंगे ताकि पानी अंदर नहीं घुसे तो अचार अच्छा बनेगा, पानी अंदर घुस जाता है तो अचार अच्छा नहीं बनता है। मैं बूंदे डाल रही हूँ, पानी गर्म है तो आराम से डाल रहे हैं। बूंदे डाल दिए हैं, इसको अच्छे से बॉईल होने देते हैं, ज्यादा बॉईल नहीं करना है, 2 से 3 मिनट लगते हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं बूंदे, ज्यादा नहीं बॉईल करना है, मैंने 3 से 4 मिनट बॉईल किया है। तो सारे बूंदे एक तरीके से निकाल करके चलने में देंगे, इसमें बाद में ये ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, ज्यादा बॉईल नहीं करना है, इस बात का ध्यान जरूर रखना है। मैंने चलने में डाल दिया है, इसको कपड़े पर सुखा देते हैं और घंटे भर के लिए पंखा के नीचे सुखाना है ताकि अच्छे से पानी सूख जाए और अच्छे से ठंडा हो जाए। इसको एक एक फैला देते हैं ताकि जल्दी सूख जाए और एकदम जल्दी से ठंडा हो जाए। तो मैंने जैसे सुखा दिया है, बाद में इसका डंठल हटाएंगे और मसाला भरेंगे। बूंदे अच्छे से ठंडे हो गए हैं तो इसके डंठल हटा देते हैं और गुठली भी बाहर निकाल देते हैं। मसाला बूंदा बनाएंगे तो ये हटा करके बनाएंगे, तो गुठली निकाल लेते हैं, इसको अच्छे से ठंडा करना है, बाद में गुठली निकालना है। तो मैं चाकू की मदद से गुठली निकाल दूँ ताकि अच्छे से जल्दी निकल जाए। इस तरीके से गुठली निकाल करके तैयार करना है, सारे बूंदे की गुठली निकाल के तैयार कर लेते हैं। बूंदे का अचार में डालने के लिए मैंने 2 केरी लिए, इसको कद्दूकस कर लेते हैं। 250 ग्राम केरी है, अच्छे से धोकर के लिए और डंठल हटा के लिए, इसको कद्दूकस कर लेते हैं। मैं कद्दूकस से कर रही हूँ, बड़े वाले चेस से कर रही हूँ, बड़े वाले चेस से कर रही हूँ ताकि अच्छे से बने अचार। छीलना नहीं है केरी को, इसी तरीके से करना है। केरी को मैंने कद्दूकस कर लिया है अच्छे से, ये मैंने 1 पैकेट मसाला का लिया है, काट करके लिया है इसे, ये वाला पैकेट लिया है मैंने, 1 पैकेट पूरा लिया है। तो आप भी का खाते हो, मिर्ची ज्यादा डाल सकते हो तो मेथी का पसंद करती हूँ, थोड़ी मिर्ची डाल के मसाला मिला देती हूँ। 1 चम्मच मैंने नमक लिया था छोटे चम्मच से, और 2 चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर लिया था। मसाला अंदर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसी मसाला के अंदर केरी को कद्दूकस किया है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। भरे बूंदे बनाएंगे इसलिए मैंने केरी को कद्दूकस किया है, आप कटिंग करके भी डाल सकते हो। केरी को और मसाला को अच्छे से मिला देते हैं, बूंदा भर के बनाएंगे इसलिए केरी को और मसाला को अच्छे से मिला रहे हैं, आप कटिंग करके कैरी को भी डाल सकते हो, पर ये भरमक बूंदे बना रहे ना इसलिए मसाला को अच्छे से मिलाया है मैंने, तो बूंदे भर के तैयार कर लेते हैं। बूंदा भर देते हैं, सारे बूंदे एक तरीके से भरना है, भरमक बूंदा बना रहे हैं, भरमक बूंदे का अचार बना रहे हैं, इस तरीके से सारे बूंदे को भर करके एक साइड में रख देते प्लेट में। सारे बूंदे भरकर तैयार कर लिए,
तो मसाला फिर तैयार कर लिया है। इसको 24 घंटे के लिए कॉटन का कपड़ा उड़ा कर रख देते हैं। 24 घंटे बाद इसमें तेल गरम कर डालेंगे। 24 घंटे हो गए बूंदे में मसाला गरम है, तो तेल छटा है मैंने गर्म होने के लिए। 500 ग्राम तेल लिया है, आप मूंगफली का भी ले सकते हो, तिल्ली का भी ले सकते हो। मैंने मूंगफली का तेल लिया है। आप सरसों का नहीं लेना है, सरसों लेने से क्या होता है लचार की खुशबू नहीं आएगी, सरसों का तेल की खुशबू आएगी। तेल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं और गैस के अंदर तेज कर दिए। तेल को अच्छे से गर्म करना ताकि अचार खराब नहीं हो सालों के लिए। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, धुआं निकलना शुरू हो गया है, गैस को ऑफ कर देते हैं और तेल को ठंडा होने के लिए पंखा नीचे रख देते हैं। तेल अच्छे से ठंडा हो गया है, तेल को बूंदे में मिला देते हैं। मैंने 24 घंटे मसाला डाल करके रखा था, अच्छे से मसाला सॉफ्ट हो गया, बूंदा अच्छे से रसीस गए हैं। तेल मिला देते हैं, तेल को अच्छे से ठंडा करके मिलाना है। तेल आपको कम लगे तो बाद में भी डाल सकते हो। मैंने 250 ग्राम केरी ली थी, 1 किलो बूंदे लिए थे, तो 500 ग्राम तेल गर्म किया है। कम लगेगा तो बाद में डाल देंगे। तेल से साफ खराब नहीं होता है, साल भर के लिए रखते हैं। जब भी तेल डालो तो गर्म करके और ठंडा करके डालो। तेल मैंने डाल दिया है गुंदे में, मैंने कांच की बोल ली है, उसे डाल देते हैं। अब अचार बनाओ तो कांच की बोल में और चीनी की बने में डालना चाहिए, खराब नहीं होता है। उसको अच्छे से धो करके और सुखा करके डाला है। गुंदे का अचार बनकर तैयार हो गया है। आप भी रेसिपी बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, ऐसी और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो। दोस्तों साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राम राम।